कॉम क्या ठीक है साहब आज है हमारा लेक्चर्स सॉल्यूशंस अबाउट सिंगुलर पॉइंट सिंगुलर पॉइंट के हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है हम क्या स्टडी कर रहे हैं पावर सीरीज़ को पावर सीरीज में हमने पढ़ा है सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशंस है इसके लिए हमने ये फार्मूला जनरल फार्मूला ड्राइव किया था अगर इस जनरल फार्मूले से हमारा सोल्यूशन नहीं फ़ाइंड आउट होता तो हम क्या करेंगे हम पावर सीरीज को इस फॉर्म में चेंज करेंगे एन प्लस आर और आर इज़ अ कॉन्स्टेंट ऑफ डिटरमाइंड जिसको हम डिटरमाइंड करेंगे जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारा सोल्यूशन इन दिस वे फाइंड आउट हो जाएगा ये हमारी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशंस है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पी एफ एक्स और क्यू एफ एक्स दो वैल्यूज हैं जो हमारा लीडिंग कोफिशेंट है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको डिवाइड कर दिया है पूरी होल इक्वेश ये हमारा पी एफ एक्स हो गया और इसको डिवाइड किया ए टू से ये हमारा क्यू एफ एक्स हो गया अब हमारे इंटरवल्स रेगुलर एंड इ पॉइंट अ सिंगुलर पॉइंट इज सेट टू बी रेगुलर पॉइंट इफ़ अगर एक्स माइनस एक्स नॉट पी एफ एक्स एंड एक्स एनालिटिकल एट एक्स नॉट मतलब कि इसका जॉब हमारा फाइन आउट हो जाएगा एनालिटिकल इक्वेशंस को सेटिफाइड करेगा तो हमारा पॉइंट सिंगुलर होगा अगर ये पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं होते तो हमारा इरेगुलर सिगुलर पॉइंट है पोलिनोम्स है हमें गिवन इक्वेशंस है ये हमारा इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट है बस एक ही पॉइंट है जिसको ये पॉइंट की समझ आ गई उसका क्वेश्चन सोल्व हो गया जिसको नहीं आई तो उसको सोल्व नहीं होगा इस पॉइंट में हमें क्या कहा गया ये वाली लाइंस इंपॉर्टेंट है इफ़ ये जनरल इक्वेशन है ये पी एफ एक्स क्यू एफ एक्स इफ़ द फैक्टर अपीयर एट द मोस्ट फर्स्ट पावर इन द डिनोमिनेटर ऑफ पी एफ एक्स इसका मतलब है पी एफ एक्स की जो वैल्यू है ये पी एफ एक्स है इसके जो बटे के नीचे है डिनोमिनेटर में इसके मोस्ट फर्स्ट पावर जो हमने सिंगुलर पॉइंट पुट किया है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए फर्स्ट पावर वन होनी चाहिए एंड एट द मोस्ट सेकेंड पावर और ये डिनोमिनेटर ऑफ क्यू एफ एक्स की इधर जो पावर होगी वो सेकेंड होगी इधर डिग्री टू होगी और इधर डिग्री वन होगी तो हमारा पॉइंट सिंगुलर है अदरवाइज रेगुलर्स पॉइंट है अदरवाइज इ सिंगुलर पॉइंट है अब हम करेंगे एग्जाम्पल सोल जिससे आपको इसकी क्लियरेंस हो जाएगी एग्जाम्पल है हमें ये इक्विशन से है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्विशन एक्स स्केयर माइनस फोर ये इसके सिंगुलर पॉइंट हैं इसके कैसे पॉइंट किए हमने एक्सकेयर इज इक्वल टू फोर पॉजिटिव फोर स्केयर रूट स्केयर रूट प्लस माइनस टू प्लस माइनस टू ये हमने फाइन आउट कर लिया है प्लस माइनस टू अब हमारी एक वैल्यू है इसको हम कह सकते हैं प्लस माइनस टू एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस टू ये हमारे पास दो फैक्टर्स हो गए अब ये एक्स माइनस टू को आप गौर करें एक्स माइनस टू का ये है पी एफ़ एक्स में इसकी डिग्री वन है और इधर क्यू एफ एक्स में डिग्री टू है तो हम ये कह सकते हैं एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू जो है ये इज़ आ रेगुलर इंटरवल ये टू इधर आके नेगेटिव हो जाएगा एक्स माइनस टू इज़ अ रेगुलर इंटरवल अब है एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू की इधर पावर होनी चाहिए थी वन इधर पावर है टू ये सेटिस्फाइड इस रूल को नहीं कर रहा तो ये है इ इंटरवल अब है एग्जाम्पल नंबर टू एग्जाम्पल नंबर टू भी सेम कंडीशन है जीरो और माइनस सिंगुलर पॉइंट हमें गिवन है ये गिवन इक्वेशंस है गिवन इक्वेशंस को हमने किस फॉर्म में चेंज करना है पी एफ एक्स और क्यू एफ एक्स में इसको पी एफ एक्स और क्यू एक्स में चेंज करने के लिए इस ये लीडिंग कोशन है इससे पूरी होल इक्वेशन को डिवाइड करना है इसे डिवाइड करेंगे वन इसे डिवाइड करेंगे ये फैक्टराइजेशन हो जाएगी इतने पार्ट की तो ये वाला हमारा पी एफ एक्स क्या फाइनल हो गया ये वाला पी एफ एक्स और टू ओवर ये वाली हमने कर दी क्यू ऑफ एक्स पी एफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स अब हम देखेंगे फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो हो ये एक्स केयर है इसकी डिग्री कितनी है टू है पी एफ एक्स में इसकी डिग्री होनी चाहिए थी वन तो ये कंडीशन एक्स इज जीरो ये इेगुलर्स है ये हमने फाइनल कर लिया अब है हमारा नेक्स्ट पार्ट x प्लस वन राइट हैंड साइड पे जाके x इज इक्वल टू माइनस वन एक्स इज इक्ल टू माइनस वन एक्स प्लस वन है इधर डिग्री वन है x प्लस वन इधर डिग्री टू है Q एफ पी एफ एक्स में वन होनी चाहिए Q एफ एक्स में टू होनी चाहिए तो ये रेगुलर्स इंटरवल है अब है सेम एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर थ्री इस एग्जाम्पल में हमें दो सिंगुलर पॉइंट हैं x इज वल टू वन एंड x इज इक्वल टू माइनस वन सिंगुलर पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमारा कोफिशियंट है इस कोफिशंस की वैल्यू जीरो कर दे वो है सिंगुलर पॉइंट x की जगह पर हम वन पुट करें या माइनस वन पुट करें तो इस कोफिशंट को जीरो कर देगा तो हम क्या कह सकते हैं देर आर टू कोफिशियंट्स ये वाले हमने टू कोफिशेंट्स फाइंड आउट कर लिए एक की प्लस वैल्यू दूसरे की नेगेटिव वैल्यू इससे डिवाइड कर लिया हमने कोविशियंट वन कर लिएडी कोविशन तो पी एफ एक्स हमारे पास ये वाला फैक्टर और क्यू एफ एक्स ये वाला फैक्टर बन गया अब हमारे पास कौन कौन से फैक्टर हैं एक है एक्स इजल टू एक्स माइनस वन इजक्ल टू जीरो एक्स प्लस वन इजिक्वल टू जीरो ये हमारे पी एफ एक्स है पी एफ में देखेंगे एक्स माइनस वन ये हमारा फर्स्ट सिंगुलर पॉइंट है इसकी डिग्री वन है तो हम कह सकते हैं ये सिंगुलर पॉइंट रेगुलर सिंगुलर है अब हम देखते हैं एक्स माइनस वन इसकी डिग्री भी स्टार्ट पर वन ही है तो इसको भी हम कहते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बी पार्ट है इसमें हमें ये गिवन इक्वेशंस हैं इसके इसकेशन को हमने डिवाइड किया ये हमारे पास सोलूशन बन गया एक्स ओवर एक्स क्यूब टू ओवर एक्स केयर बन गया क्यूब कैंसिल हो गया इसका एक्स नहीं है तो एक्स क्यूब हो गया हमें एक्स की क्या चाहिए डिग्री फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए तो हमारा रेगुलर इंटरवल होगा अब ये फर्स्ट नहीं सेकेंड डिग्री है तो इ इंटरवल हो गया अब है हमें एक अनदर एग्जाम्पल एक्स इज एक टू जीरो हो तो सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है हमारे पास इस एग्जाम्पल में हमारी जो पी एफ एक्स की ओवर है ये जीरो है एग्जाम्पल में जो हमारे पी एफ एक्स की ओवर डिग्री कितनी है जीरो एक्स की इसमें पी एफ एक्स के ओवर डिग्री क्यू एफ एक्स की कितनी है वन है तो इस कंडीशन को हम सिंगुलर पॉइंट कैसे कहेंगे हमने ये पढ़ा है नेमली जीरो एंड वन हो तो ये भी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है ज़ीरो हो पी एफ एक्स के नीचे और क्यू एफ एक्स के नीचे अगर वन हो मतलब तो कि एक एक्सी एक्सी कर रहा है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट अब हमारे पास एक लास्ट एग्जाम्पल है इस तरह के क्वेश्चन की हमें गिवन इक्वेशन से ये वाली है इसके लेडी कॉम्पिशन को डिवाइड किया ये वाला हमारा लेडी कॉम्पिशन इससे हमने सिमुलर पॉइंट पॉइंट किए कौन से प्लस थ्री ओ एटा एंड माइनस थ्री अयोटा इससे हमारे कौन से फैक्टर बने ये वाले दो फैक्टर्स बन गए प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री ओटा और एक एक्स माइनस थ्री ओ अब हम पहले देखेंगे एक्स माइनस थ्री एयोटा इसकी डिग्री कितनी है इधर वन है तो ये रेगुलर इंटरवल हो गया अब देखें एक्स माइनस एक्स इज माइनस थ्रीटा एक्स प्लस थ्री ओटा का फैक्टर है तो इसकी डिग्री कितनी है इधर वन तो ये भी रेगुलर इंटरवल्स है मेथड ऑफ फ्रोबीनियस फ्रोबीनियस एक साइंसदान का नाम है इसने एक हमें मेथड दिया है टू तो फाइंड आउट रेगुलर इंटरवल सिंगुलर इंटरवल प्रोबीनियस तो ने हमें मेथड दिया है अगर हमारे पास ये फॉर्म हो तो हम इस तरह की सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं किस इक्वेशन के सेकंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हमारे पास इधर जो आर है ये हमने कॉन्सटेंट डिटरमाइंड है जो कि हमें डिटरमाइंट करना है तो और सीरीज़ कन्वर्ज करेगी कौन से इंटरवल में ये हमारा इंटरवल्स है ज़ीरो से लेस होगा ज़ीरो से बड़ा होगा और आर जो इसका रेडियस है उससे छोटा होगा इससे मतलब क्या है ये हमारे पास एक सर्कल है ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा आर इधर इतना रेडियस होगा इसके अंदर अंदर इसका सोलूशन हम फाइंड आउट करेंगे नोट डेट दोल्यूशन ऑफ द फॉर्म्स आर नॉट गड ये ऐसी फॉर्म्स का हमें जो सोल्यूशन फाइन आउट करना है ये हंड्रेड परसेंट गारंटी नहीं है कि इसका सोल्यूशन हम फाइन आउट कर सकते हैं इससे सोल्यूशन के लिए यहाँ सबसे पहले हमने करना है सिगुलर पॉइंट फाइंड आउट करना है नेक्स्ट है वाई सीरीज फार्म को फ्रोमिनियस फार्म को हमने गिवन इक्वेसन में पुट करना है फिर डिटरमाइन अन R आर एंड कूफिशिय इसमें सी एन की वैल्यू तो हम ऑलरेडी फाइन आउट करते आ रहे हैं इसमें एक्स्ट्रा क्या फाइन आउट करना है आर डिट कोफिशंस फाइनआउट करना है फॉर सिम्प्लीसिटी वी एजूम डेट एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो एक्स नॉट हमारे पास अगर जीरो हो तो अब हमारी एग्जाम्पल नंबर फोर ये सोल्व करते हैं तो पता चलेगा फ्रॉबिनिस मैथड क्या है इस एग्जाम्पल में रेगुलर इंटरवल कौन क्या होगा एक्स जीरो हो तो ये वाला लीडिंग ऑप्शन जीरो होगा जो रेगुलर इंटरवल हमारे पास सो तो जीरो है तो हमारे पास फ्रोबीनियस शेप कौन सी है ये वाली सी एन एक्स एन प्लस आर सिर्फ प्लस आर का एक्स्ट्रा किया हमने जो कि हमने एक्स नॉट को ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया है जो हमने फॉर सिंप्लिसिटी के लिए प्रूव करना है इस एक सीरीज का सम है जो उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे इधर पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव लेंगे वो इधर पुट करेंगे तो इसकी जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है तो हमारे पास इसकी सिंपलीफिकेशन में हमने सबसे पहले देखना है जो x n इज इक्वल टू जीरो है इसको जीरो पुट किया हमारे पास रिमेनिंग बच गया n माइनस r माइनस n बच गया और इसमें हमने ये वाले पार्ट में n माइनस r बच गया और इसमें ज़ीरो पुट किया अकेला आर बच गया इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमने एन को वन तक लेंगे अगर हमने इधर पुट किया ज़ीरो इधर ज़ीरो इधर ज़ीरो और इधर ज़ीरो तो हमारे पास ये टर्म्स बच गई जो आर वाली टर्म्स थी उसको हमने बाहर कर निकाल के लिख लिया आर पॉजिटिव को तो हमारे पास ये वाला जीरो जीरो वाली टर्म्स अब वन वाली टर्म को एज़ इट इज़ हमने वन में चेंज कर दिया अब एन इज ईक्ल टू वन इधर वन पुट करेंगे तो ज़ीरो एन इज ईक्ल टू जीरो पुट करेंगे तो जीरो ये अब हमारा वेरिएबल सेम हो गया तो अब नमी वेरिएबल यूज़ करेंगे एन माइनस वन के इस सीरीज में और एन के इज ईक्ल टू एन इस सीरीज़ में टू तो फॉर्म द के वेरिएबल अब हमने के वेरिएबल की फॉर्म में चेंज कर ली है ये वाली इक्वेशन जिधर जिधर एन माइनस वन या फिर एन था इस सीरीज़ में हमने के पुट कर दिया के और के प्लस वन और इधर हमने क्या पुट किया के इज़ इक्ल टू एन तो हमारे पास ये वाली सीरीज़ बन गई इन दोनों को हमने जीरो के इक्वल रखना है ये ज़ीरो के इक्वल डिवाइड हो के ज़ीरो बन जाएगा ये वाली टर्म्स हमारे पास क्या बन गई ये वाली टर्म जीरो के इक्वल विच इम्प्लाइज दैट आर इंटू थ्री आर माइनस टू इज इंटू सी नार ये थ्री आर इज इक्वल टू ज़ीरो एंड आर इज इक्वल टू माइनस टू राइट साइड पर चलेगा टू और थ्री आर ये ऐसे हो जाएगा थ्री आर इज इक्वल टू टू आर इज इक्वल टू टू ओवर थ्री ये हमारे पास दो आर की वैल्यूज आ गई फॉर आर इज इक्वल टू टू बाई थ्री फॉर आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो हम अलहदा अलहदा किसकी वैल्यू फाइन आउट करेंगे इट्रेशन की सी की वैल्यू इसका जो सेकंड पार्ट है इक्वेशन का इसका हम क्या करेंगे सी वाली टर्म्स राइट हैंड साइड पर चली जाएगी जीरो के और ये वाली कोफिशंस है ये बटे के ओवर डिनोमिनेटर में चली जाएगी तो हम हमारा सी इज सी के प्लस वन इज इक्वल टू इस पार्ट के बन जाएगा इस पार्ट में हम सबसे पहले आर इज इक्वल टू टू बाई थ्री पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी इस और जीरो पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी अगर हमारे पास आर वन आर वन इसको कह लिए आर टू कह लिए आर वन हो तो हम के के वैल्यूज़ क्या फाइंड करेंगे जिधर जिधर के है उधर वन पुट करेंगे फिर टू फिर थ्री फिर फोर सेम और इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे इधर है हमारा फोर फैक्टोरियल तो इसका मतलब क्या है सी फोर फोर फैक्टोरियल सी थ्री थ्री फैक्टोरियल टू टू फैक्टोरियल इसको फैक्टोरियल फॉर्म में चेंज किया ताकि हमारी सीरीज़ फॉर्म में शेप अच्छी बन जाए सी फोर है इधर सी एन एन फैक्टोरियल ऊपर सी नाट ये हमारा क्या है फाइव एट अलेवन फोरटीन थ्री का डिफरेंस है थ्री का डिफरेंस है अप टू थ्री एन प्लस टू एन इज इक्वल टू वन टू थ्री सेम एज इट इज़ हमने सी टू के लिए फाइंड आउट किया है सी वन हमारे पास ये सी टू सी थ्री सी फोर सी थ्री ये आर की दो वैल्यू हैं दो इट्रेशन हमने फाइंड आउट कर ली है इन दोनों इट्रेशन को हमने एक को कह दिया है आर की वैल्यू टू बाई थ्री थी एक की आर की वैल्यू जीरो थी इन दोनों इट्रेशन को हमने सम के फॉर्म में लिखा था वो सम के फॉर्म में लदा कर लिया तो हमारे पास यही रिज़ल्ट आ गया है सी वन और सी टू का ये एक्स का क्या मीन है एन ये आर है एन प्लस आर की छः में हमने चेंज कर दिया और इधर यो वाई ज़ीरो है आर ज़ीरो है एन प्लस जीरो इज एक टू जीरो ये हमारे पास टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है जो हमने प्रीवियस लेक्चर के थ्योरम में पढ़ा है अब हमें हमारी नेक्स्ट एग्जांपल इस एग्जांपल में भी हमें ये दिया गया है इक्वेशंस हैं जी हैदुलर पॉइंट जीरो है एक्स इज ल टू जीरो होगा तो इसका कोफिशिएंट लीडिंग ज़ीरो होगा तो हमारे पास थ्योरम की सीरीज़ ये वाली है इसको थ्योरम से सोल्व करेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव एक्स सेकंड डेरिवेटिव प्लस थ्री फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस वाई इसको पुट किया तो हमारे पास ये वाली कंडीशन बन गई अब इसको शॉर्टली हम देखेंगे इस कंडीशन से हमने क्या फाइंड आउट किया एक तो आर की वैल्यू फाइंड आउट की जिससे हमें कैसे मिली इस पार्ट से इज वल टू जीरो रखने से आर एक जीरो और एक दूसरा माइनस टू अब जीरो के लिए अलादा इटरेशन हमने देखनी है सी की वैल्यू और माइनस टू के लिए अलहदा सी की वैल्यू देखनी है ये सी की वैल्यू कैसी निकली इस पार्ट से इसको सिंपलीफाइड किया तो हमारे पास रिजल्ट इन दोनों को रिजल्ट की फॉर्म में लिखा तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ गया और सेकंड रिजल्ट हमारे पास कौन सा है वाई टू वाला सेकंड इटरेशन से आर की वैल्यू सेकंड वैल्यू से ये हमारा रिजल्ट आ गया है ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया <coughs> y2 टू नेक्स्ट हमारा इंडिशियल रूट्स केस नंबर वन है इसका हमारे पास r1 और r2 दो वैल्यूज़ हैं इसको हमने r1 y1 वन एंड वाई कह दिया है रूट्स नॉट डिफर बाय एनी इंटीजर्स। सोल एग्जांपल्स हमारे पास है Example में हमारे पास क्या गिवन है y प्राइम और y डबल प्राइम एंड y वाई हम करेंगे फ्रोबीनियसूरम से फ्रोबीनिसम से वाई है सीरीज जो हमारे पास वाई इज इक्वल टू समीशन स्टार्ट फ्राम एन टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस आर इसका फर्स्ट डेरीवेटिव और सेकेंड डेरीवेटिव हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में ले लिया है उसको इस इक्वेशन में हमने पुट करना है स्टार्ट वाली इक्वेशन पुट किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू फाइंड आउट हो गई है अब हमने इसका वेरिएबल्स इक्वल चेक करने है कि हमारे वेरिएबल्स इक्वल हैं इधर एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करें एन इज़ इक्ल टू ज़ीरो तो हमारे पास एन प्लस आर आर माइनस वन और इधर एन इज़ इक्ल टू जीरो जस्ट आर इसके वेरिएबल इक्वल किए तो हमारे पास एक्स आर कॉन्स्टेंट ये पीवियस प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने ये सारी कैलकुलेशन किए है इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है अब ने हमने डमी वेरिएबल यूज़ किए फर्स्ट सीरीज़ में एन माइनस आर है इधर फर्स्ट सीरीज़ में क्या है एन माइनस आर तो हम लिख सकते एन माइनस आर इज इक्वल टू के दिस इम्प्लाइज डेट एन इज इक्वल टू के प्लस वन ये फर्स्ट सीरीज के लिए सेकंड सीरीज के लिए एन इज इक्वल टू के जस्ट ये अब हम दो फर्स्ट सीरीज में जिधर जिधर एन है हमने क्या पुट करना है के प्लस वन और सेकंड सीरीज में एन रिप्लेस बाय के तो हमारे पास दो सोल्यूशन फॉर्म बन गए फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट को हमने इक्वल रखा जीरो के तो हमारे पास वैल्यू आ गई आर इज इक्वल टू जीरो एंड आर इज इक्वल टू वन बाय टू ये मैनस राइट हैंड साइड पर और टू डिवाइडर में वन बाई टू और इस सेकेंड पार्ट को हमने सोल्व करना है किसके लिए सी वैल्यू ऑफ आ सी के लिए आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है कांस्टेंट ऑफ डिटर्मिनेट्स और सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है सी की वैल्यू कैसे फाइन की ये वाली वैल्यू राइट हैंड साइड पर नेगेटिव और ये वाली डिवाइडर्स पर तो हमारे पास क्या वाली कंडीशन बनी ये वाली सी के अगर हमारे पास सी आर इज इक्वल टू वन बाई टू होगा तो ये वाली सी इट्रेशन बनेगी इसको हम समिशन फॉर्म में राइट किया है सेकंड है अगर आर इज इक्वल टू जीरो हो तो हमारे पास ये वाली इट्रेशन बनेगी इनको हमने जनरल फॉर्म में राइट कर लिया है सेकंड जनरल सोल्यूशन भी हमने ये फाइंड आउट किया है बाई वन एंड बाई टू लीनियरली इंडिपेंडेंट टू सोल्यूशन है हमारे पास ये हमने फाइंड आउट ऑलरेडी कर लिए हैं सो so, हमारे जनरल सोल्यूशन क्या होगा सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स टू इस फॉर्म में लिखना है लिखते हैं अदरवाइज हमारे थ्योरम्स के मुताबिक दो इंडिपेंडेंट सोलूशन हमने फाइंड आउट कर ली हैं नेक्स्ट लेक्चर भी सेम है इसका हमने कंटिन्यू करना सोल्यून अबाउट सिंगुलर पॉइंट्स उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें खुदा हाफिज़